ना कितना शॉर्ट करना है, तो सबसे पहले बॉक्स सेक्शन टिल्टेड लेंथ हमेशा आप पूछ लोगे कितना शॉर्ट करना है, तो डायमंड के लिए मुझे चाहिए मीडियम लेंथ, और एंगल कौन सा रहेगा 0 डिग्री। तो ये मैंने एक लेंथ डिसाइड कर लिया, अब इसको दोनों साइड क्वार्ट्स कर देंगे, तो मेरा बेस लाइन तैयार हो जाएगा। बेस लाइन यानी कि मुझे कितना पीछे से शॉर्ट करना है, वो मैंने एक लेंथ डिसाइड कर लिया। अब सिर्फ हमको अंदर से वेट निकालना है, लेंथ हमारा उतना ही रहेगा जितना भी हम लोगों ने काटा है। हेड टिल्टेड, फिंगर स्ट्रेट, एंगल 0 डिग्री। ठीक है, स्टेप वन के बाद फ्रंट पे आ जाएंगे, हाफ फेदर। अभी यहां पे हेड हमारा नॉर्मल, अब देखो ऑलरेडी उसका बाल छोटा है, लाइन का बाल फ्लिक्स कटा है, तो लाइन आपको नया बनाना है, उससे मर्ज करेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो मीडियम लेंथ के लिए मैं कितना रखता हूँ, बिलो शोल्डर नेक, अगर शोल्डर होगा तो चिन। तो इस वाले लेंथ के लिए मेरा फ्रंट वाला बाल होना चाहिए नेक तक, गर्दन तक फ्रंट से। ठीक है, तो चिन से मैंने नीचे रखा, और ये किधर कटेगा, नोज के सामने। इसको दोनों साइड मर्ज कर देना है, सेम तीन सेक्शन में, जैसे तीन सेक्शन पीछे लिया वाले, 30 सेक्शन हाफ फेदर आगे, होल्ड किया, टर्न करना है, नोज के सामने लेके आना है। नोज के सामने से लाने से क्या होएगा, आपका जो लेंथ है फ्रंट का वो लॉन्ग हो जाएगा, और साइड वाला लॉन्ग हो जाएगा, फ्रंट वाला शॉर्ट रहेगा, तो आपका एक लेयरिंग लुक आ जाएगा। सेम अपोजिट साइड, जो मैंने बॉक्स सेक्शन काटा उससे मैं दोनों बालों को मर्ज कर रहा हूं, सेक्शन लिया और स्ट्रेट, जैसे मेरा गाइडलाइन आया यहां पे मिला। अब जैसे छोड़ेंगे हम लोग लेडिंग आगे, उसके बाद हम लोग क्या करना है, डायमंड सेक्शन निकालना है, उसको पूरा सेंटर पार्टिंग ले लेंगे प्रॉपरली, और एक डायमंड सेक्शन निकालेंगे, यानी कि 4 कॉर्नर आने चाहिए मेरे, फ्रंट से स्टार्ट करते हुए फॉर्म करेंगे अपोजिट साइड, एंड इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, और फिर चेक कर सकते हैं कि कोई सेक्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा। ये वाला सेक्शन मेरा सबसे बट इसमें हाफ ऑफ द ईयर टॉप ऑफ द ईयर नहीं करना, और पूरे का पूरा जो हेयरकट है वो 90 डिग्री पे होगा। होम करेंगे, पूरा हाथ यूज करेंगे, और मेरा गाइडलाइन होल्ड किया, ट्विस्ट किया, और जैसे मेरा गाइडलाइन आया काट दो। अब जैसे छोड़ूंगा मैं, मेरे लेयर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे पीछे से। अब बस इसी राइट लाइन को पकड़ना है, थोड़ा सा इसमें बाल लेना है, और पूरा ये फ्रंट तक फॉलो करेंगे छोटे छोटे सेक्शन में। राइट लाइन नीचे से आना चाहिए मेरा, होल्ड लॉक, सिर्फ एक ही फिंगर आगे जाएगा, बाकी सारी फिंगर्स पीछे, टर्न हॉरिजॉन्टल और खींचेंगे 90 डिग्री, होल्ड, और सिर्फ थम चलना चाहिए, पूरा हाथ नहीं चलना चाहिए, वीडियो को क्रॉस करने से। सेम सेक्शन, डायमंड कट बेसिकली मतलब क्या है, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट मतलब ऊपर का बाल इसमें शॉर्ट होने वाला है, और लेंथ हम लोग थोड़ा मेंटेन रखते हैं। जिसको ऊपर से फ्लैट बाल है, पतले बाल है, उनको हम लोग ये वाला कट कर सकते हैं। अब देखो आगे की ऑल शॉर्ट है, बट हम लोग को कौन सा फॉलो करना है, जो हम लोग पीछे को फॉलो करते चले आएंगे, होल्ड ट्विस्ट, और जो मेरा पीछे वाला पीस है ना उसी से मिला, तो मेरा सेंटर पार्टिंग से ये वाला पार्ट टर्न हो गया।
अपोजिट साइड, हेड का मूवमेंट थोड़ा सा डाउन, हेड भी बराबर नहीं होगा तो भी कट गड़बड़ हो जाएगा, तो हेड मूवमेंट में ध्यान रखना है। थोड़े से बाल मैंने साइड से ले लिए ताकि मेरा गाइडलाइन आराम से मिल जाए, तो स्टार्ट करना है बैक साइड से, फिर घूमना है, ट्विस्ट गाइडलाइन, जैसे गाइडलाइन फिंगर के अंदर गया काटना स्टार्ट करना, लेंथ जितना मैंने मेंटेन किया था वो ये, बस मेरे बालों के अंदर क्या होंगे ये स्टेप्स आने स्टार्ट हो गए, सेम साइड में ट्विस्ट करने से क्या हो रहा है, और ज्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, कोई भी हेयरकट में जो ट्विस्ट करते मोर बाउंस, ठीक है पूरा डन हो गया। सेम अभी लास्ट सेक्शन, अभी कितना शॉर्ट होना चाहिए, ये हमेशा रहेगा मेरा शोल्डर के ऊपर, हाँ ब्लंट के जैसे दिखना चाहिए, अगर इसको लंबा रखूंगा तो क्या होगा नेचुरल के जैसे मॉडल जाएगा, तो इसका जो लेंथ है हमको काटना है वो इतना आना चाहिए कि आपका इस शोल्डर से नीचे नहीं जाए प्लीज, हाँ ऊपर ही रहे तभी डिस्कनेक्ट दिखेगा। तो ऑलरेडी इसमें शॉर्ट है, उससे भी मर्ज कर सकता हूँ क्योंकि आगे से कटा हुआ है, बट किसी क्लाइंट का नहीं कटा हुआ है तो इसमें हमको नया गाइडलाइन क्रिएट करना है, बिकॉज इसके अंदर कोई गाइडलाइन होता नहीं है। अब इसको एक ही साथ काटना है बट चारों पॉइंट से काटना है, सेक्शन ठीक है, उसके बाद बैक साइड से चलाएंगे हमें और इसको जस्ट मर्ज करना है, क्योंकि इसको काटने के बाद हम लोग चेकिंग करेंगे तो अंदर वाला बाल मिक्स हो जाएगा, तो इसको पहले हम लोग काटने के बाद चारों तरफ से चेक कर लो, अपोजिट साइड ठीक है। अब देखो जैसे हम इसको छोड़ेंगे मेरा एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम आ जाता है, यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा मूवमेंट आ गया, तो जितने भी फ्लैट बाल है यहाँ पे बहुत जल्दी है इसका, तो डिस्कनेक्ट कैसे दिख रहा है, ये लेयरिंग अलग है ये लेयरिंग अलग है, अलग अलग दिख रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा डिस्कनेक्ट, थोड़ा एडवांस में चला गया। सेम फ्रंट से भी आप देखेंगे तो इसके मुकाबले ये थोड़ा फ्लैट दिख रहा है, यहाँ पे मिक्स। तो कर्टन बैंक्स के लिए क्या करेंगे, सीधा मून सेक्शन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आ गया हम लोग को तो आगे के बाल काटने आ गए, जस्ट ट्विस्ट 45 एंगल, और दोनों साइड मर्ज, अब जैसे इसको छोड़ूंगा इसके अंदर भी अच्छा वॉल्यूम, ट्राई नहीं किया बट फिर भी हमारा पूरा ये वॉल्यूम दिख रहा है, स्टाइलिंग करेंगे फिर चेक करेंगे। थैंक यू सो मच।